स्वागत है आप सबका शानदार शुक्रवार के अंदर। यहाँ पे ग्रुप बी के अंदर फोर वे टाई हो चुका है। हर एक टीम ने दो दो मैचेस खेले हैं, एक मैच जीता एक मैच हारा है, तो हर एक टीम की स्टैंडिंग्स एक जैसी ही है। बस यहाँ पे नेट रन रेट का फर्क है और मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर नेट रन रेट का फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों? जो टीम जीतती है वो डायरेक्ट सुपर 12 के अंदर क्वालिफाई कर जाएगी, जो टीम हारेगी उसकी यहाँ पे निराशा होके घर वापसी होगी। तो देखने लायक मैच रहेगा। मैच नंबर वन दिन का वेस्ट इंडीज बनाम आयरलैंड के बीच में, जिसमें जो जीतेगा वो भाई साहब सुपर 12 में जगह बनाएगा और जो हारेगा वही बात है घर जाएगा। मैच नंबर टू दिन का है स्कॉटलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में, इसमें भी वही कहानी है, नेट रेट का फर्क पड़ेगा ही नहीं है, जो टीम जीतती है सीधा सुपर 12 में जगह बनाएगी। तो देखते हैं कौन यहाँ पे बेहतरीन क्रिकेट दिखाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन पूरा हाईली थ्रिलिंग रहेगा, नॉकआउट की तरह मैच है, हर एक टीम अपनी जी जान लगा देगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये अपना आईसीसी चैंपियंस कह सकते हो होस्ट इस बार कर रहा है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप को, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 को। ये प्लेयर्स के कुछ फोटोज आप देख सकते हो, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वेन्यू रहेगा ब्लंडस्टोन अरेना हॉबर्ट, मैच टाइमिंग सुबह के 9:30 बजे। टेलीग्राम से जुड़ना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है मैं टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा। तो टेलीग्राम से जुड़ना कैसा है, इसके लिए मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हो। अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इस वेन्यू के ऊपर लास्ट टी20 का मैच खेला गया था 19 अक्टूबर को, मैच था वेस्ट इंडीज बनाम जिम्बाब्वे के बीच में। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और इस वेन्यू के ऊपर ब्लंडस्टोन अरेना, इस वेन्यू को अपन बोलते हैं बेली राइव ओवल, तो इस वेन्यू के दोनों नाम है, सबसे पहले ध्यान रखना है, ब्लंडस्टोन अरेना और बेली राइव ओवल। तो इस वेन्यू के ऊपर दो पिचेस बनी हुई है इस क्वालिफाइड्स के लिए। तो जो पिछले यहाँ पे दो मैचेस हुए ना, एक तो हुआ था 17 अक्टूबर को, दिन में दो मैच हुए थे 17 अक्टूबर को, और फिर 19 अक्टूबर को भी यहाँ पे दो मैच हुए थे। तो टोटल जो चार मैचेस यहाँ पे हुए ना, वो पिच नंबर वन पे खेले गए हैं। अभी तक पिच नंबर टू का इस्तेमाल नहीं किया गया, एकदम फ्रेश रहेगा पिच नंबर टू। तो देखते हैं इस मैच के अंदर क्या फिर से यहाँ पे यूज्ड पिच के ऊपर खेला जाता है, या फिर मेरे हिसाब से मोस्टली 90% यहाँ पे फ्रेश पिच का इस्तेमाल किया जा सकता है पिच नंबर टू का। और जो पिछले मैचेस हुए चार, वो पिच नंबर वन पे हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि फ्रेश पिच का इस्तेमाल किया जा रहा है या यूज्ड पिच का। टॉस के जस्ट बाद ना यहाँ पे पिच रिपोर्ट आती है, आप खुद यहाँ पे हॉटस्टार के ऊपर या फिर स्टार स्पोर्ट्स वगैरह के ऊपर जाके पिच रिपोर्ट देख सकते हो, ठीक है। अब देखो स्वर्णी के ऊपर कुछ ट्रेंड चलता है, वो ट्रेंड क्या है, यहाँ पे ओपनर्स बैटिंग फर्स्ट आर हैविंग लो एवरेज इन मैनी गेम्स। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो टीम यहाँ पे पहले बैट फर्स्ट करती है ना, उसके ओपनर्स कभी कभार जल्दी आउट हो जाते हैं कुछ गेम्स के अंदर, और एक दो गेम ऐसे भी हुए हैं कि उसके अंदर एक ओपनर बड़ी पारी खेल जाए। एग्जाम्पल के लिए माइकल जोन्स ने लास्ट मैच के अंदर जो पारी खेली थी, तो यहाँ पे ज़्यादातर ओपनर्स जल्दी आउट होते हैं, लेकिन कई दफ़ा एक बड़ा ओपनर चार या पांच मैच में से एक बार बड़ी पारी खेल जाता है। इस वेन्यू के ऊपर बिग बैश सीजन 11 के अंदर, जो पिछला बिग बैश लीग हुआ था उसके अंदर यहाँ पे प्रति ओवर 8 रन बने थे, तो अपन ने बात भी करी थी, ये वेन्यू जिलोंग से बहुत बढ़िया है, यहाँ पे रन्स बनता है, स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी है और सामने की भी इतनी बड़ी नहीं है। पहली पारी के अंदर यहाँ पर 153 बना था, मतलब मैं आपको पहली पारी का स्कोरिंग पैटर्न समझा रहा हूँ, ठीक है। जो लास्ट मैच हुआ था वेस्ट इंडीज वर्सेज जिम्बाब्वे के बीच में, तो वेस्ट इंडीज ने 153 बनाया था 7 विकेट गवा के। उससे पहले यहाँ पे स्कॉटलैंड ने 176 बनाया था, उसको आयरलैंड ने चेस कर लिया था कर्टिस कैम्फर के बदौलत, उससे पहले 174 बना, 160 बना। और विकेट्स कितने गिरे हैं पहली पारी के अंदर, 2 बार 5 गिरे और 2 बार 7 विकेट गिरे हैं पहली पारी के अंदर। तो कह सकते हैं औसतन यहाँ पे 6 विकेट गिरता है पहली पारी के अंदर, ठीक है। और इस वेन्यू के ऊपर वेस्ट इंडीज़ ने भी दो मैच खेला है, आयरलैंड ने भी दो मैच खेला है, दोनों ने एक मैच जीता एक मैच हारा है, ऑलवे टाई है। हर एक टीम ने ग्रुप बी से एक मैच जीता एक मैच हारा है, तो टक्कर का मैच है, पूरा प्योर नॉकआउट मैच है। चलते हैं यहाँ पे कुछ फोटोज की तरफ, या लास्ट मैच की पिच की फोटो आप देख सकते हो, ब्लंडस्टोन अरेना हॉबर्ट की इस तरह से पिच दिख रही थी, बढ़िया पिच थी। और यहाँ पे मेरे हिसाब से लग तो मेरे को ये रहा है 90% फ्रेश पिच का इस्तेमाल किया जाएगा। तो साइड में पिच है ना ये वाली, इस वाली पिच के ऊपर मैच होगा, इस पिच के ऊपर चार मैचेस हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से फ्रेश पिच का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसी पिच दिखती है आमतौर पर, बढ़िया पिच है और ज़्यादा ग्रास भी नहीं थी पिच के ऊपर, तो बॉल अच्छी गति से बैट के ऊपर आ रही है, आप देख सकते हो एकदम हल्की हल्की, जो बोलते हैं ना 0.2 या 0.3 मिलीमीटर्स की यहाँ पे ग्रास मौजूद होती है सिर्फ, तो अच्छी चीज़ है। अपने सैमुअल बुद्री भाई साहब है पिच के बारे में बयां कर रहे थे। अब देखो बाउंड्री डायमेंशंस की बात करते हैं, सामने की बाउंड्री 81 मीटर्स होती है यहाँ पे बेली राइव ओवल के ऊपर ब्लंडस्टोन अरेना के ऊपर, स्क्वायर बाउंड्रीज एक तरफ 60 मीटर एक तरफ 67 मीटर है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और ये स्टेडियम ऐसा दिखता भाई, क्या स्टेडियम है, पास ही के अंदर यहाँ पे आपको थोड़ा सा पानी का मतलब नदी भी दिखेगी, यहाँ पे अपना स्टेडियम है, गजब ये माहौल है, पीछे रिवर है यहाँ पे,
और ये स्टेडियम का पूरा व्यू भाई, खूबसूरत है, मैदान है, शानदार यह शुक्रवार रहने वाली है आपके लिए। आप देखो सोनी पे जो टीम बैट फर्स्ट करिए 13 मैच जीती है, बैट फर्स्ट इज द फॉर्मूला, और जो टीम चेस करिए यहाँ पे मात्र 4 मैच जीती है। तो टॉस जीतो बैट फर्स्ट करो, ये फॉर्मूला है। लास्ट मैच के अंदर पूरन साहब ने भी वही करा था, इवन वहाँ पे स्कॉटलैंड भी बैट फर्स्ट करते जीत जाती, 176 बनाया था, पर वहाँ पे कर्टिस कैम्फर और आए थे जॉर्ज टॉकरेल, क्या पारी खेल के गए थे दोनों भाई साहब। अब देखो इस टोर्नी के ऊपर लास्ट 17 मैच में क्या हुआ है, पेसर्स ने 162 विकेट निकाले हैं, पहली बारी में 80 है, दूसरी बारी के अंदर 62 है, 82 है, 80 और 82, ठीक है, हिंदी थोड़ी सी मेरे को 80 के बाद गिनती आती नहीं, 80 के बाद, तो ये 80 विकेट्स पहली पारी के अंदर है, दूसरी पारी के अंदर 82 विकेट्स है। राइट आर्म पेसर का 127 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर का 35 विकेट है। स्पिनर्स की बात करते हैं तो लास्ट 17 मैच के अंदर 56 विकेट है, पहली पारी में 19 विकेट है स्पिनर्स के, लेकिन दूसरी पारी के अंदर स्पिनर्स कहर मचाते हैं, 37 विकेट है यहाँ पे दूसरी पारी के अंदर, दुगने से लगभग कह सकते हो आप स्पिनर्स के दुगना यहाँ पे, पहली पारी से कंपेयर करते हैं तो दूसरी पारी के अंदर, दूसरी पारी में 37, पहली पारी में स्पिनर्स ने मात्र 19 विकेट निकाले हैं। ऑफ स्पिनर्स का 20 विकेट है, लेग स्पिनर्स का 17, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का 2, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 17 विकेट है। जो लास्ट मैच हुआ था वेस्ट इंडीज बनाम जिम्बाब्वे के बीच में मैच था, तारीख थी 19 अक्टूबर, उस मैच के अंदर कुल मिला के 16 विकेट गिरे थे, 11 विकेट पेसर के थे, 5 विकेट वहाँ पे स्पिनर के थे। वेदर फोकास बढ़िया, चिंता की बात ही नहीं है आपने, मैं दिखा दूंगा वेदर फोकास, ये देखो आप, ये मैच वहाँ पे 3 बजे के आसपास स्टार्ट होगा, 2:30 से 3 बजे के बीच में, तो देखो 21 डिग्री सेल्सियस है, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही है। दोनों टीम्स ने आपस में 7 मैच खेला है, 2 मैच तो उनके अबॉन्डेंट गए और 3 वेस्ट इंडीज़ जीती है, 2 आयरलैंड जीती है, टक्कर का मैच है, हाईली थ्रिलिंग मैच रहेगा, वही बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से लाइनअप्स करेंगे, काइल एमर्स ओपन करेंगे इमरान हाफिज़ के साथ, ब्रेंडन किंग आएंगे, लास्ट मैच में जॉनसन चार्ल्स को ओपन कराया था, बहुत अच्छा खेला था, अगर यहाँ पे ब्रेंडन किंग फिट है ना तो मैं क्या करूँगा, ब्रेंडन किंग को 1 डाउन स्लॉट करूँगा और काइल एमर्स और यहाँ पे मैं जॉनसन चार्ल्स को ओपन करा दूंगा, मैं जॉनसन चार्ल्स को ओपन कराना पसंद करूँगा यहाँ पे, और पूरन आएंगे, ब्रुक्स आएंगे, पॉवल, होल्डर, अखिल, ऑडन स्मिथ, अल्जारी, अबॉर्ड, मकवाई। चलते हैं आयरलैंड की तरफ, पॉल सेलिंग ओपन करते हैं यहाँ पे किसके साथ, एंड्रू बुलब्रायनी के साथ, लॉकन टकर, हैरी टैक्टर, कर्टिस कैम्फर्ट, जॉर्ज डॉकरेल, गट डिलानी, मार्क आदिर, सिमर सिंह, बैरी मकार्थी, जशवा लिटिल, प्रमुख गेंदबाज सिर्फ 3 है, मार्क आदिर, बैरी मकार्थी, जॉश लिटिल। चलते हैं यहाँ पे किसके तरफ, जब दोनों टीम सामना सामना करती तो क्या होता है, काइल एमर्स ने एटवर्ड नहीं खेला, इनका फॉर्म मैंने लिखा हुआ है, इस साल 26 मैच खेले हैं, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले 27 की औसत है, 670 रन 8 विकेट है। इवान लुइस ने 3 मैच में 101 रन करा है, हर बार चेस करते हुए 53-46 दो नाबाद। ब्रेंडन किंग, इन्होंने क्या किया हुआ है, हेडवर्ड नहीं खेला है, पर इनका फॉर्म देखो, इस साल CPL का हाइएस्ट रन गेटर था, ये चीज़ बस आपको इतनी याद रखनी है, बहुत अच्छे फॉर्म में, क्या टाइम करा था बंदा बॉल को। पूरन साहब ने 3 मैच खेला, 27 रन है वर्सेज आयरलैंड, 26 चेस पे, 1 नाबाद चेस पे, वैसे पूरन हमेशा चेस पे बहुत अच्छा करते हैं, चेस पे इनकी 30 की औसत है, बैट फर्स्ट में 23 की औसत है, पूरे T20 करियर के अंदर शुमार बुक्स आएंगे यहाँ पे, इनका पूरा T20 करियर में बैट फर्स्ट में 31 की औसत है, बैट फर्स्ट में अच्छा करते हैं, एज कम्पेयर टू द बैट सेकंड मात्र 19 की औसत हो जाती है। इस साल CPL में एकमात्र शतक जड़ा था, उसके बदौलत इनको स्टैंड बाई के अंदर रखा गया टीम के अंदर, स्क्वाड के अंदर, वही कारण था अभी भी टीम में है। प्लेयर अच्छा है यार, लेकिन 1 डाउन डिजर्व करता ना कि 3 डाउन। रोवन पॉवल हेड टू हेड नहीं खेला है, और प्लेयर ये भी अच्छा है, 29 की औसत बैट फर्स्ट में, चेस के ऊपर 22 की औसत है, इस साल फॉर्म अच्छा ही रहा इनका, इतना खराब फॉर्म नहीं है। होल्डर ये इस साल प्राइम फॉर्म के अंदर है, होल्डर साहब 38 मैच 53 विकेट है, और हेड टू हेड नहीं खेला है, किसी भी बॉलर ने वेस्ट इंडीज़ की तरफ से हेड टू हेड नहीं खेला है। ऑडन स्मिथ का यहाँ पे इस साल 31 में 31 विकेट, अखिल हुसैन का साल 21 मैच में 25 विकेट है, अल्जारी जोसेफ का साल 27 मैच में 35 विकेट है, क्या यॉर्कर डाल रहा है अल्जारी जोसेफ, इसका रेवोल्यूशन देखने के अंदर बहुत मजा आया, जो चेंज इसके अंदर दिखा है। अबॉर्ड में कोई हेड टू हेड नहीं खेला है, इस साल ये भी बहुत आगे रहे विकेट्स के मामले में, 33 मैच में 56 विकेट, पर एक बुरी चीज़ क्या है कि अबॉर्ड में कोई जैसे वर्ल्ड कप क्लोज आता गया ना, वैसे अपना फॉर्म खोते गए, वर्ल्ड कप से पहले इनका बहुत अच्छा फॉर्म था IPL के टाइम, फिर ये गए थे T20 ब्लास्ट खेलने, वहाँ पे भी बहुत अच्छे फॉर्म में थे, फिर इंटरनेशनल T20 में भी ठीक किया, फिर जैसे जैसे थोड़ा सा और CPL आया, CPL आधा खत्म हुआ तो उनका फॉर्म चला गया था, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी आपसे वही कह रहा हूँ। जॉनसन चार्ल्स भी इंपॉर्टेंट है, इस साल अच्छा फॉर्म है, इस बार CPL में 11 मैच के अंदर 350 रन स्ट्रोक किया है बंदा। कॉटरेल खेला है एटवर्ड, 3 मैच में 4 विकेट है, स्टार्टिंग ओवर काइल एमर्ट्स, पता नहीं टीम क्यों बॉलिंग करा रही है इनसे, नई गेंद से मार खा जाते हैं कभी कभी, स्विंग तो होती है बॉल, वो बात तो है इनमें। अखिल हुसैन, अल्जारी जोसेफ, जॉनसन होल्डर, डेथर के अंदर अबॉर्ड मकॉय, अल्जारी जोसेफ, जॉनसन होल्डर, ऑडन स्मिथ। चलते हैं आयरलैंड की तरफ, पॉल सेलिंग यहाँ पे अगेंस्ट है वेस्ट इंडीज़, 7 मैच खेला है, 144 रन है, 21 की औसत है, बैट फर्स्ट 95-19-17-11, चेस के ऊपर 2-0-0। अब आप कहोगे इनके 2 मैच नो रिजल्ट गए थे, ये दोनों टीम्स ने आपस में 7 मैच खेला है, 2 मैच नो रिजल्ट गए थे, पर उसके अंदर पॉल स्टर्लिंग ने या आयरलैंड ने बैट कर लिया था,
इसलिए आप देखोगे यहाँ पे इनके स्कोर्स लिखे हुए हैं मैंने पूरे। बिलब्राइनी 3 मैच में 71 रन है, हेड टू हेड के अंदर 24 की औसत है, बैट फर्स्ट 36-28-7। लोकंटकर ने हेड टू हेड नहीं खेला साल, ठीक ठाक फॉर्म में रहे हैं ये। हरी ट्रैक्टर का 3 मैच में 34 रन है, बैट फर्स्ट 31-2-1। गर्ट डिलानी का 3 मैच के अंदर 69 रन से एक भी बार बॉलिंग नहीं कराई है, हेड टू हेड के अंदर बैट फर्स्ट 44-19-6 है। कॉडस कम्फर हेड टू हेड नहीं खेला प्लेयर वही कॉडा का है। मार्कस टोनिस का मेरे को छोटा भाई लगता है देखने के अंदर, बॉडी बिल्डिंग में भी और जिस तरह से खेलता है बंदा। जॉर्ड डॉकरेल का 6 मैच के अंदर 5 विकेट 6 रन है और बैट फर्स्ट 5 नाबाद और 1 होना चाहिए यहाँ पे, इसको 1 कर लेना ठीक है। और चलते हैं यहाँ पे बॉल फर्स्ट 3 मैच के अंदर 4 विकेट है, बॉल सेकंड के अंदर 1 मैच में 1 विकेट है, 1 बार विकेट लेस गया। गेंदबाजी ना के बराबर करते हैं वैसे, पिछले मैच में 1 ओवर जरूर डाला था। मार्क आदिर का हेड टू हेड के अंदर 6 रन, बैट फर्स्ट प्लस 0 विकेट है। सिमर सिंह का 4 मैच में 2 विकेट है, 3 पारी में बॉलिंग करी है, बॉल सेकंड करते हुए और बॉलिंग करी है, 3 मैच में 2 विकेट, 1 बार विकेट लेस गया। बरी मकार्थी का हेड टू हेड के अंदर 3 मैच के अंदर 0 विकेट है, 3 बार बॉल सेकंड करा है। जॉश लिटिल का 3 विकेट बॉल सेकंड 0 विकेट बॉल सेकंड है, इनका भी बहुत अच्छा मेरे को चेंज देखने को मिला है। जॉश लिटिल का एक आध दो साल के अंदर, इस साल मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए 100 खेला था, बहुत अच्छे फॉर्म में थे। स्टार्टिंग ओवर मार्क आदिर, बैरी मकार्थी, लिटिल, सेम फॉर द डेथ और कॉम्बो। चलते हैं यहाँ पे वेन्यू स्टैट्स की तरफ। इस वेन्यू के ऊपर काइल एमर्स ने क्या करा है, 20 रन चेस करते हुए 13 बैट फर्स्ट करते हुए। चार्ल्स ने 45 करा है यहाँ पे, बैट फर्स्ट करते हुए रन आउट हो गए थे, वही बात होती है कैरिबियन प्लेयर्स के अंदर रनिंग बिटवीन द विकेट हो गया या फिर कोऑर्डिनेशन हो गया रनिंग बिटवीन द विकेट्स के अंदर, ये सब बहुत कम देखने को मिलता है। वही हुआ था मेरे हिसाब से, 170-180 बन सकता था वेस्ट इंडीज़ के द्वारा, पर टीम 150 ही बना पाई थी अगर ये टिके रहते तो। ब्रेंडन किंग 17 चेस करते हुए स्वर्ण के ऊपर, पूरन का 4 चेस करते हुए 7 रन बैट फर्स्ट करते हुए, पूरन का बल्ला भाई कब बोलेगा समझ के बारे मेरे। शमार ब्रुक्स 4 रन चेस पे 0 रन बैट फर्स्ट, रोवन पॉवल 5 चेस पे 28 बैट फर्स्ट है, ये भी लास्ट मैच में थोड़ा स्ट्रगल करे, फिर हिटिंग भी करी लास्ट ओवर के अंदर 2 छक्के मारे। ब्लेसिंग मुजबानी को होल्डर का 38 रन चेस करते हुए प्लस 2 विकेट है, फिर 3 विकेट बॉल सेकंड प्लस 4 रन बनाया था उन्होंने और कॉटन बोल हो गए थे वहाँ पे सिकंदर राजा के द्वारा, 5 रन प्लस 1 विकेट 1 विकेट है। अखिल हुसैन कहाँ पे 0 विकेट पहले मैच में, दूसरे मैच के अंदर 1 विकेट था, बॉल सेकंड। अलजारी भाई को कोई नहीं रोक सकता, 2 विकेट बॉल फर्स्ट 4 विकेट बॉल सेकंड है। अबर्ट मुकैका 0 विकेट बॉल फर्स्ट 1 विकेट बॉल सेकंड है। चलते हैं आयरलैंड की तरफ। पॉल सेलिंग 0 चेस पे 8 चेस पे, बलबरानी का 3 और 14 है। आयरलैंड ने जब भी खेला स्वर्णी के ऊपर ब्लनस्टोन पे हर बार चेस करा है, एक बार जीते थे एक बार हारे थे। हैरी ट्रैक्टर 1-14, गर्ट डिलानी 24-0 विकेट है, कर्टिस कैम्फर 27 रन प्लस 0 विकेट है। 72 नाबाद गजब पारी थी वो, मैच ऑफ प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, 2 विकेट था उसके अंदर। डॉकरेल का 24 रन 39 रन, इसकी पारी को भी लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया था, डॉकरेल की गजब पारी थी इनकी भी वो। मार्क आदिर का जो स्पेल था लास्ट ओवर में, इन्होंने आई थिंक 2 या 3 रन दिए थे मात्र, 2 या 3 रन स्कॉटलैंड के खिलाफ, बहुत अच्छा स्पेल था इनका भी, 4 ओवर 24 रन दिया था। इवन मेरे कैप्टन थे उस मैच में, इसलिए तो मैं तारीफ करूंगा इनकी, पर चलता रहता है। 2 विकेट बॉल फर्स्ट 1 विकेट बॉल फर्स्ट है। सिमर सिंह 2 विकेट बॉल फर्स्ट 0 विकेट बॉल फर्स्ट है। बैरी मकार्थी का 0 विकेट बॉल फर्स्ट 0 विकेट बॉल फर्स्ट और लिटिल साहब ये भी अच्छे गेंदबाज है, 3 विकेट बॉल फर्स्ट 1 विकेट बॉल फर्स्ट है। मैचअप्स की बात करते हैं तो आप इवान लुइस का मैचअप सिमर सिंह के सामने है, क्योंकि ऑफ स्पिन भी डालते हैं लेग स्पिन भी डालते हैं। अगर आपने देखा होगा सिमर सिंह सेम वही काम करते हैं जो लियाम लिविंगस्टन करते हैं, ऑफ स्पिन भी डाल देंगे लेफ्टी के सामने और राइटी के सामने लेग स्पिन डाल देते हैं, पर गलती क्या कर रहा है पता आपको सिमर सिंह, शॉर्ट बॉल बॉल डाल रहा है इस बार। 78 गेंद 70 रन, एक बार आउट किया इवान लुइस को और ये लोगों ने ओडीआई में T20 में एक दूसरे को बहुत अच्छा फेस किया हुआ है। इवान लुइस देखो किसके सामने फंसते हैं, लेग स्पिन के सामने फंसते हैं जो सिमर सिंह डालता है, ऑफ स्पिन के सामने फंसते हैं वो भी सिमर सिंह डालता है, पर इनके पास और बेटर लेग स्पिनर है गर्थ डिलानी। इवन मैंने लास्ट मैच में पिक किया था उनको, अच्छा गेंदबाज है, आप चाहे तो उसको फिर से बैक कर सकते हो, स्किलफुल प्लेयर है और आपको शायद डालता हो फिर से 4 ओवर दिख सकता है। रीज़न क्या है 4 ओवर डालने का, रीज़न यह है कि याद करो आप, ये वेस्ट इंडीज़ की टीम सेकेंड लास्ट मैच के अंदर अगेंस्ट स्कॉटलैंड स्पिन के सामने 5 विकेट गवाई थी, और जो लास्ट मैच था तो जिम्बाब्वे का, उसके अंदर रियान बुरेल ने 3 ओवर डाला था, उससे पिछले मैच में रियान बुरेल ने ओवर नहीं डाला था। ओवर क्यों डाला था, क्योंकि उनको पता है स्पिन के सामने फंसता है वेस्ट इंडीज़ टीम, तो दैट्स द रीज़न। लेग स्पिनर आपको इस मैच में फिर से ज़्यादा ओवर करते हुए दिख सकते हैं। जॉनसन चार्ल्स ने हेड टू हेड यहाँ पे नहीं खेला, लास्ट मैच में सिकंदर राजा 4 ले गया, सीन विलियम्स 1 ले गया। लास्ट मैच में भी वेस्ट इंडीज़ ने 5 विकेट दिए थे स्पिनर्स को, तो इस मैच में भी स्पिनर्स को विकेट्स देके जा सकते हैं वेस्ट इंडीज़ वाले। भली बात ही जो आयरलैंड के कप्तान है बेलब्राइनी वो चीज़ समझते हैं, ये चीज़ को समझा करो आप कि मैच में हो क्या रहा है, गेम रीडिंग करो कि क्या दिक्कतें हो रही है एक टीम के साथ और जो सामने जो टीम खेलेगी वो क्या प्लान्स बना के लाएगी, तो आपको खुद ये गेम रीडिंग करनी पड़ेगी। मैंने जो आपको लगा बताया अब आप खुद भी इसके परे सोच सकते हो,
जॉनसन चार्ल्स, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं हर एक चीज़ बयां नहीं कर सकता, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो बता सकता हूँ, वरना मैं गेम रीडिंग करने जाता हूँ तो आधा एक घंटा पूरा निकल जाता है सोचते सोचते जॉनसन चार्ल्स की बात करते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने फंसते हैं ये, और लेग स्पिन के सामने फंसते हैं। आएंगे ब्रैंडन किंग वर्सेस सिमी सिंह, 31 गेंद 18 रन एक बार आउट किया। पूरन साहब वर्सेस सिमी सिंह, 33 गेंद 23 रन एक बार आउट किया। ये स्पिन के सामने हमेशा फंसते आए हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने सो दिक्कतें हैं इनकी। लास्ट मैच में भी सीन विलियम्स ने कॉटन बोल किया था, 25 पारियों के अंदर 8 बार आउट हुए और दिक्कतें हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने। रेमन रेफर को खिलाया जा सकता है, देखते हैं क्या होता है। कैलेमर्स का ऑप्शन के सामने दिक्कतें हैं। पॉल सेलिंग वर्सेस अखिल हुसैन, 24 गेंद 33 रन दो बार आउट है बंदा, दोनों बार दूसरे बार में। पॉल सेलिंग की हमेशा दिक्कतें रही हैं स्पेशली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के सामने। मेरे को अभी भी याद है लास्ट ईयर केशव महाराज ने नचाया था पॉल सेलिंग को। अलजारी जोसफ ने 20 गेंद में 9 रन देकर दो बार आउट किया। इसकी यॉर्कर भाई क्या आ रही है पॉल सेलिंग की, हैट्स ऑफ टू दिस गाय। एंड्रू बलब्राइनी वर्सेस अलजारी, 41 गेंद 30 रन एक बार आउट किया। लॉकन टकर का मैचअप लक्ष्मण के सामने है। हैरी टैक्टर वर्सेस अलजारी, अब वो ऑडियंस में क्षमा चाहता हूँ, अब कोई नहीं है। गर्व डिलानी वर्सेस अलजारी जोसफ, 17 गेंद 6 रन दो बार आउट किया, अच्छा मैचअप है। डॉक्रेल वर्सेस अलजारी, होल्डर भी देख सकते हो आप। कॉमन कैप्टन कर्टिस कैम्फर, होल्डर बड़ी लीग में बनाओ आप कैप्टन, यहाँ पे होल्डर को कर्टिस कैम्फर, अलजारी जोसफ, ब्रैंडन किंग, अलग जाना है, मार्क आदिर, अखिल हुसैन, पॉल सेलिंग को रोटेट कर सकते हो। बात करेंगे आपकी ड्रीम इलेवन टीम की, तो कप्तान साहब यहाँ पे होल्डर है, वाइस कैप्टन कर्टिस कैम्फर है। कैम्फर को भी आप बना सकते हो इस मैच में, आपको शायद मोस्टली पूरे 4 ओवर करते हुए दिख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पे कर्टिस कैम्फर को सिर्फ 2 ओवर कराए थे पिछले मैच में, इस मैच में मोस्टली 90% चांसेस है कि 4 ओवर कर सकते, क्योंकि पिछले मैच में हीरो बन चुका है। टीम उनसे फिर से एक्सपेक्ट करेगी, खुद कहेंगे भाई मैं कप्तान को भाई मेरे को 4 ओवर दे दे, पिछले मैच में 2 ओवर के अंदर मैंने 9 रन दिया, 2 क्रुशियल विकेट्स निकाले, मैं क्या कर रहा हूँ ऐसा जो कि मेरे को आप 2 ओवर दे रहे हो, 4 ओवर दो है कम से कम मेरे को, और बॉलर्स को आप 3-3, 4-4 ओवर दे रहे हो, तो ये कहेगा भाई मेरे को 2 इस मैच में ओवर, ये बॉल जाके छीन लेगा जितना मुझे लग रहा है कर्टिस कैम्फर। ठीक है, ये पूरी टीम अबाउट मुखो को भी ले रहा है, क्या मैंने यार अच्छा गेंदबाज है, फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न है लास्ट कुछ मैचेस के अंदर। जॉनसन चार्ल्स इंपॉर्टेंट है खेलते हैं, तो लॉकन टकर आपका कॉल हो सकता है, स्किलफुल प्लेयर है लेकिन ये कुछ ज़्यादा अटैकिंग खेल रहा है, तो या तो बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा तो फिर जल्दी आउट होंगे। लॉकन टकर बहुत अटैकिंग खेल रहे हैं। पूरन भाई साहब इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, चेस करते हुए थ्रेट रह सकता है स्पिन के सामने। डॉक्रेल बाबा आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा प्लेयर है, सीरियस टैलेंट है। इवान लुइस इंपॉर्टेंट रहेंगे, खेलते हैं तो शायद जगह ना बने अगर ब्रैंडन किंग खेलते हैं। फिर आएंगे रॉबन पॉवल, हार्ड हिटर बैटर है, हैरी टैक्टर का सीजन अभी तक अच्छा नहीं गया है वर्ल्ड कप का। ब्रैंडन किंग अच्छे फॉर्म में दिखे, स्टर्लिंग भी बिल्कुल फॉर्म में नहीं दिखे, बलब्राइनी का एक दो अच्छे टच शॉट गए हैं। चलते हैं होल्डर की तरफ, इंपॉर्टेंट है कैम्फर, इंपॉर्टेंट काल लिमिट्स भी एक दो डाल जाते हैं इसलिए पिक करना ही पड़ता है, और ऊपर से ओपन करते हैं थोड़ा सा अटैकिंग शॉट्स मार जाते हैं, तो आपको 30-40 पॉइंट तो ये दे ही सकते हैं मिनिमम, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस टाइप का प्लेयर है। सिमी सिंह भाई साहब ग्रैंड लीग पिक बनते हैं, 2 प्लेयर्स पर नजर रखना, एक का सिलेक्शन परसेंटेज 15 है, एक का परसेंटेज यहाँ पे 5 है। ये 2 प्लेयर्स आपको ग्रैंड लीग के अंदर मदद कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज के सामने स्पिन थ्रेट हमेशा रहा है, इतिहास गवा रहा है पूरी चीज़ का, तो देखते हैं क्या होता है इस मैच के अंदर। अगर यूज पिच हो गई और तो समझ जाना भाई साहब कि इनको तो मैं फिर ले लूँगा कैसे भी करके, अगर फ्रेश पिच रहती है तो मैं थोड़ा सा सोचूंगा और सेफ पिक्स के साथ जाऊँगा। अलजारी इंपॉर्टेंट है, लिटिल यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मार्क आदिर इंपॉर्टेंट, अबाउट मुखर को आप ले सकते हो बॉल फर्स्ट के अंदर। इवन अखिल हुसैन भी एक अच्छा स्पिनर है, स्मार्ट स्पिनर है, और मैचअप्स बनता है सामने वाली टीम के सामने। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के सामने आयरलैंड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स को अच्छे से नहीं खेल पाती है जितना मैंने ऑब्जर्व किया हुआ। लास्ट मैच के अंदर अच्छा खेला था स्पेशली मार्क वाट को, 4 ओवर के अंदर 39 रन दे दिया था उसने, और टप लाइन लेंथ भी अच्छी नहीं डाली थी सीरियसली कहूँ तो आपको, कभी शफल हुआ, कभी रैंप मारा उनको, कभी रिवर्स स्वीप मारा था कर्टिस कैम्फर ने मार्क वाट को, इसलिए चल गए थे। तो देखते हैं क्या होता है, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, देखते रहिए। स्टार्ट सुरुजी लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन प्लस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। भाई गला बैठ चुका है मेरा पूरा बोलते बोलते, इतना रोमांचक से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था शुक्रवार शानदार वाली। ठीक है, चलता रहता है, देखते रहिए। स्टार्ट सुरुजी मिलते अगली दफ़ा, लव यू गाइस, सी यू सून, ऐसे प्यार बनाए रखना। लब्स डाउन आते हैं दोस्तों लाइफ के अंदर, पर आज जो आपका और मेरी बॉन्ड है वो हमेशा एक पॉजिटिव वे में चलनी चाहिए, मैं चाहूँगा। जय हिंद, सी यू सून।